इस मेंशन में आने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी मरियम। फोन तो उठाओ ताकिन, फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? मैलिस, क्यों कॉल की तुमने? क्या वजह होगी सोचो। मैं चाहती हूँ ताकिन तुम अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाओ। वैसे आखिर तुम हो कहाँ पर? मरियम को कब लेकर जाओगे? मैलिस, खुदा के वास्ते इजी हो जाओ। देखो, इस वक्त मैं शदीद जख्मी हूँ। मेरे पास पासपोर्ट्स तो हैं, टिकट्स करवानी हैं। हाँ समझ गई, पहले यहाँ आकर मरियम को ले जाओ, उसके बाद जहाँ जाओ चले जाना। अभी नहीं मैलिस, अभी नहीं आ सकता, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, या फिर मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो ताकिन? चलो स्ट्रेट बोलती हूँ, मरियम इस घर के अंदर लेमिटी के आसपास घूम रही है। मैलिस, ताकिन तुम जहाँ भी हो अपनी लोकेशन भेजो मुझे, आमने सामने बात होगी अब, वरना तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाओगे। मैलिस, तुम्हारा पीछा करते हुए कोई यहां ना आ जाए। सुनो जान, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बात करने के लिए। मेरा मरियम के बारे में ख्याल बिल्कुल गलत था। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि उमर खुश है क्योंकि उसकी आपा साथ है उसके। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। शुक्रिया मैलिस, तुमने मेरी बात को समझा, उसके लिए शुक्रिया। मैं अपना वॉलेट लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों उमर के स्कूल चलते हैं। वहां पर मीटिंग है, याद है ना? अगर तुम्हें साथ आने में कोई प्रॉब्लम है तो। बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चल रही हूँ साथ। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा नीचे। मुझे ताकिन के पास भी तो जाना है, मैं कैसे भूल गई आज पेरेंट्स मीटिंग है। हेलो, मैं अभी ऑफिस पे नहीं हूं, वापस आऊंगा तो साइन कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हो सकता है वो कैफे गई हो। सुबह सुबह ये सब हुआ है मेरी बेटी के साथ।
इस वक्त आयशा बहुत अफसरदा है। हाय मेरी बहन सफिया, यकीन नहीं आ रहा जमील ने ये सब किया। दिखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमारी बच्ची आयशा ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। फिर जमील ने आयशा के साथ क्यों किया ऐसा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे निर्माण जमील अच्छा लड़का है, मगर आयशा की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। हाय मेरी बच्ची आयशा, अब कैसे संभालूंगी मैं उसे। हाँ, अब मैं उसे कैसे समझाऊं निर्माण, तुम ही बताओ मुझे। उफ, उसने सुबह से रो रो कर अपनी हालत बुरी कर ली है। उफ। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता, मैं मजबूर हूँ। मजबूरियां गई भाड़ में, मैं आयशा का बदला लूंगा, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इन हाथों से उसका गला घोटूंगा, क्या करूं मैं तुम्हारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जमील। दुकान इजी हो जाओ, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी किसी ने कुछ कहा है। पापा की जान, आपको याद है ना कि टीचर ने क्या कहा था कि अपना सारा नाश्ता फिनिश करना जरूरी है। उदास क्यों है उमर? उमर, सब ठीक है? लेवेंट भाई, क्या आपा मैं से स्कूल नहीं चल सकती? प्लीज इन्हें भी साथ ले चले। तुम घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान खतरे में है। क्योंकि पैरेंट मीटिंग है तो आपा को होना जरूरी है। लेवेंट, उमर ठीक कह रहा है, तुम अपने साथ मरियम को ले जाओ। ये स्कूल के फ्रेंड से भी मिल लेगी उमर के। मैं ऐसा करती हूँ कि होल्डिंग चली जाती हूँ, ठीक है लेवेंट? प्लीज लेवेंट भाई, मान लेना। ठीक है, चलो अब चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है उमर, बाद में मिलते हैं डार्लिंग। खुदा हाफिज। चले उमर। कब तक अपनी किस्मत को रोए, चलो अब काम करते हैं। सफिया तुम काम को छोड़ो, हम तीनों है ना, तुम आराम से बैठो। चलो आओ दुकान, चलो आओ मीने, आओ। सफिया को बैठे रहने दो। सफिया अम्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, और घटिया हरकतें करके यहाँ पर आ गए हो? हाँ, अपनी हद में रहो, तुम होते कौन हो उसे बदतमीजी करने वाले। दुकान रुको, ऐसा मत करो जमील। तुम इतने शरीफ होने जितने दिखते हो, हम सबके दिमागों से खेल के तुमने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। हाँ दुकान इसे छोड़ दो। सफिया मी, ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये लो, हमसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? लो बताता हूँ। अरे दुकान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो, पीछे हटो दुकान। सफिया मी, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या सलूक किया जा रहा है, कोई मुझे बताएगा कुछ इसके बारे में? घटिया हरकतें करके हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता तुमने क्या किया है? हाँ जाओ यहाँ से, निकल जाओ फौरन, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? निकलो फौरन, चलो और दोबारा मत आना यहाँ। अब क्या नया खेल खेल रही हो मरियम? मेलिस ने भी अभी तक कॉल नहीं की, न जाने क्या कर रही है। तुम अब दोबारा कभी लेवेंट की नहीं हो पाओगी, चाहे कुछ भी कर लो, याद रखना। तुम्हें मेरे प्यार को समझना चाहिए था, लेकिन तुमने लेवेंट को चुन लिया अपने लिए मरियम।
तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा यहां से मैं। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और कोई तीसरा नहीं होगा हमारे बीच। मेलिस, क्या तुम हो मेलिस? क्या बात है, चूहे की तरह छुपे बैठे हो। आखिर तुम्हें मैंने ढूंढी लिया। मेरी बात सुनो, देखो पैसे उधर हैं, ये पैसे ही चाहिए ना तुम्हें। हाँ, तुम अभी तक नहीं समझे जिया भाई को ताकिन, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। उनसे किया हुआ वादा तुमने तोड़ दिया, अब वो तुम्हारी सांसों की डोर तोड़ देगा। ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ। नहीं तो कोई दर्द नहीं हो रहा। क्या चला गया ना वो? हाँ चला गया। तुमने ही कहा मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये क्या कर रही हो, इसे छोड़ दो ना अब। जमील ने आयशा को धोखा दिया, तुम्हें क्या परेशानी है? ये सब क्यों कर रहे हो दुकान, क्या जरूरत है तुम्हें? क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो? मैंने, हम सब एक ही कैफे में काम करते हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है उसकी? हमारे अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है, बस काम करते हैं। और काम पता है क्या है हमारा? ओ खुशामदीद, आइए आइए बैठिए, फरमाइए क्या पेश करूं, चाय या कॉफी? बस यही काम है अपना। आयशा कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी, और एक मैं उससे पूछ तक नहीं सकता कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। स्कूल तो वाकई बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि इस स्कूल में आके उमर खुश है। उस दिन आपने सही कहा था, बिल्कुल अच्छा है। शुक्र है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो। बैठिए। आप दोनों को बुलाने का मकसद ये था कि उमर के हवाले से कुछ बात करनी थी। उमर ने क्लास में ये ड्राइंग बनाई थी, मेरे ख्याल से इस पिक्चर में आप दोनों ही हैं, आप दोनों उसके पेरेंट्स नहीं हैं, मगर वो आप दोनों को अपने भाई बहन नहीं समझता। मेरे ख्याल से उमर अपने घर में बहुत खुश है, वो आप दोनों को ही पेरेंट्स मानता है। उमर पहले एक साइड में तन्हा बैठता था, लेकिन आज वो सबसे घुल मिल रहा था। उमर में अच्छा चेंज दिखा मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया है कि उमर आज बहुत खुश है। आज मुझे वो पुराना उमर नहीं लगा, ये बहुत अच्छी बात है। आइंदा से हम भी ये कोशिश करेंगे, और आप भी प्लीज ये कोशिश कीजिएगा कि वो ऐसा ही रहे। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, घर में उसे वही दोस्ताना माहौल मिलता रहे जो आजकल मिल रहा है। ऐसे उम्र की पर्सनालिटी पॉजिटिव डेवलप होती रहेगी, और उसके लिए आपको और हमें उस पर बहुत तवज्जो देनी होगी। वो बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता है, हमें उसके इस टैलेंट को उभारना होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि उम्र हमेशा इसी तरह खुश रहा करे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप इस बात से।
ताकिन, 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 क्या हुआ ताकिन? ताकिन, मर गया ये तो। ये तो मर चुका है। क्या करूं मैं? सोचो पहले, सोचो। मतलब क्या करोगे अब? क्या बात है कैप्टन? गार्डन में गेम खेलना है मुझे, वो जैसे हम पहले खेला करते थे। आपा की जान, स्कूल में गेम्स खेल तो ली है आपने, मगर मैं चाहता हूँ पहले की तरह हम तीनों साथ खेलें। एक एड्रेस बता रही हूँ, उस जगह एक कार को भेजना होगा तुम्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरी बात ऐसे नहीं समझोगी मरियम, बहुत पछताओगी। पकड़ो इसे। आखिर ये सब कुछ कर क्या रही है? अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, कभी दुख आपके पास से भी ना गुजरे, और मैं ये भी चाहती हूं कि हम हमेशा साथ रहें। आप मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा आपा की जान? लेविन भाई मेरे साथ मेरा होमवर्क करवाएंगे, उन्होंने वादा किया है।
आप वादा करें आप भी साथ होंगी। मैं भी वादा करती हूँ आपसे, आपका होमवर्क हम सब मिलकर करवाएंगे। जबरदस्त। एक मिनट उमर, मेरी बात सुने। क्या आपको भूख लगी है? बिल्कुल थोड़ी सी। क्या आप और मैं हम दोनों मार्केट चलें, वही सैंडविच लेने जो आपको बहुत पसंद है? क्या वो चीज वाले सैंडविच? जी बिल्कुल वही। अच्छा ठीक है, चलते हैं थोड़ी देर में। कैप्टन कैच पकड़ो। मरियम, हद में रहो अपनी, फासला रखो लेविंट से, समझ गई? आयशा, मैं जानता हूं कि तुम घर पर ही हो अपने। आयशा प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। आयशा तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? आयशा, आयशा प्लीज दरवाजा खोलो। आयशा, आयशा मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे बताओगी कसूर क्या है मेरा? आपने और लेविन भाई ने मुझसे वादा किया था क्या आप दोनों मेरा होमवर्क साथ करवाएंगे? आपका होमवर्क हम साथ ही करवाएंगे। एक रस्सी को हम ऐसे खींचेंगे, फिर उस पर काला करना होगा, समझ गई आपा? ठीक है, मैं जाके रस्सी लेकर आता हूँ असली आपा के रूम से, और लेवेंड भाई को भी बुला कर लाता हूँ मैं। आपा की जान सीढ़ियों से आराम से उतरिएगा। ठीक है। मेरी जान, जैसा कि तुम मुझे देख सकती हो, जिंदा हूँ मैं। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए था। अब मेरी बात गौर से सुनो, लेविंट को सच हरगिज पता नहीं चलना चाहिए। अगर लेविंट को कुछ भी सच बताया तुमने, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद रखोगी। लेविंट, मरियम को यहां से भेजने के बारे में संजीदगी से सोचो। समझ नहीं आ रहा किस बात की हिचकिचाहट हो रही है तुम्हें? जितने भी दिन वो यहां मजीद रहेगी, उमर उतना ही उसका आदी होता चला जाएगा। मुझे याद है तुमने क्या कहा था कि मरियम अचानक से उमर को छोड़कर नहीं जाएगी, बता कर जाएगी, मगर उमर फिर भी उदास हो जाएगा। क्यों ना मरियम की बात किसी फलाही इदारे से करें, इस तरह के केसेस में वो बहुत मददगार साबित होते हैं। वो सूदखोर मरियम की जान के पीछे पड़े हैं। मैं मरियम को कहीं नहीं भेजूंगा, वो यहीं रहेगी। कौन था इसलिए? कुरियर आया है हलविया साहिबा, और इस पर मरियम का नाम लिखा हुआ है। क्या कहा? मरियम यहां पर है ये तो कोई नहीं जानता। लेवेंट, मेरे ख्याल से इसे खोलकर देखना चाहिए तुम्हें। मतलब इसके अंदर क्या है हमें क्या पता, हो सकता है उन सूदखोरों ने इसमें कुछ मरियम को डराने के लिए भेजा हो। मिस करता हूं मेरी जान,
लेवेंट, ये सब क्या है इसमें? बेटा बताओ तो कुछ, क्या है ये? और ये पेपर्स मरियम को भेजने वाला कौन है? मेरे साथ ये सब आयशा क्यों कर रही हो? वहां कैफे में भी तुम्हारी अम्मी ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है शायद। एक मिनट, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? तुम रोई थी क्या? मेरी कोई भी कॉल तुमने अटेंड नहीं की। आयशा आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही प्लीज। बहुत हो गया, जितनी बेवकूफ तुम मुझे समझते हो उतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तुम अब भी पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? जमील मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो? आयशा देखो, या तो कोई गलतफहमी हुई है या मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला है जमील। अच्छा आयशा, मैं समझ गया, तुम हॉस्पिटल वाली बात कर रही हो, उस पर हमारी बात हो तो चुकी है। अभी भी वैसा ही झूठ। ठीक है जमील, लो देखो ये सब क्या है। My God, ये पिक्चर्स कब ली? मुझे तो पता ही नहीं। कसम से आयशा, मुझे इसके बारे में कुछ। तुम चले जाओ यहाँ से जमील। रुको आयशा, मुझे एक मिनट दो प्लीज। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ये तस्वीरें आज से पहले कभी नहीं देखी। यकीनन कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैं उसके साथ सिर्फ हॉस्पिटल। जमील, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की कोई सफाई की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जब चले जाओ तो चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। ओया, मरियम, लेवेंट सर, कोई गलती हो गई मुझसे? अब भी तुम ये सवाल पूछ रही हो मुझसे? बताओ ये क्या है? मुझे नहीं पता लेवेंट सर। मैं इस घर में लाया बचाने के लिए तुम्हें। घर का हर फर्द तुमसे नफरत करता था, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा था। हर एक ने कहा कि इस पे भरोसा मत करो, ये तुम्हें दोबारा धोखा देगी। किसी की नहीं सुनी मैंने, मगर अब। आपा, लेवेंट भाई, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपा देखिए, रस्सी ले आया मैं। ठीक है आपा की जान। लेवेंट भाई, मैं हूंगा के लिए असली आपा से ये रस्सी ले आया। आपने वादा किया था कि साथ हूंगा करवाएंगे मेरा। बिल्कुल मेरे कैप्टन, मगर अभी मैं आपकी आपा से बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। हम दोनों बात कर लें, जब तक तुम असली आपा के पास जाओ और दूध पी लो। ठीक है, जाता हूँ, जो पाऊंगा तब हूंगा कर लेंगे। ठीक है। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है इस बच्चे की खुशी का? मैं तुम्हें यहां सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से लाया था। घर के हर फर्द को कहा कि दोबारा उमर के साथ ऐसा नहीं करोगी तुम, उसे दोबारा छोड़कर नहीं जाओगी तुम। मगर क्या किया तुमने? उमर और मुझे दोबारा धोखा दिया। तुम हमारा इस्तेमाल कर रही थी उस वक्त तक जब तक तुम्हारा हस्बैंड आके तुम्हें ले ना जाए। लेवेंट सर, आप क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। कौन सी गलती हो गई है मुझसे? क्या कहने मैडम, हाँ ये सब क्या है? ये तुम्हारे पासपोर्ट, टिकट्स और तुम्हारे शौहर का खत देख लिया तुमने? कुरियर से आया ही अभी। मगर इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम मुझे। हद है, बहुत हो गया मरियम, बस करो। उस मासूम के जज्बात से तो प्लीज मत खेलो।
तुम पहले जैसी बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया था कि उन सूदखोरों से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना रहे, मगर तुम बेहिस ही रहोगी। अब बर्दाश्त नहीं होता, चली जाओ यहां से और दोबारा कभी यहां कदम मत रखना। आज के बाद तुम मुझे नजर नहीं आना। लेकिन ताकिन, ताकिन को कैसे पता मैं यहां हूं? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब बताना पड़ेगा ताकि लेवेंट को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो चुप नहीं बैठेगा कभी। मुझे सच बताना ही पड़ेगा अब। कैसी गलती हो गई मुझसे? तुम पर दोबारा भरोसा कर लिया? हाँ, किस लिए भरोसा किया तुमने? किस लिए लेवेंट? क्या हुआ, किस लिए आई हो यहाँ? लेवेंट सर, एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। मुझे यकीन है खत किसी और ने भेजा है। मैं और आप ताकिन को घर पर छोड़कर आए थे। हॉस्पिटल आप मुझे लेकर गए थे, उसके बाद आप ही मुझे यहाँ ले आए। तो फिर यहाँ से जाने का प्लान किस तरह से बना सकती हूँ मैं? मैं नहीं जानता मरियम, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस तरह के कामों का बहुत ज्यादा तजुर्बा है तुम्हें। ये तुम्हारा ही प्लान होगा, तुम ही ये सब चाहती थी। लेवेंट सर मेरी बात। मरियम, उस ताकिन की वजह से तुम मरने वाली थी और वो आदमी तुम्हें जरूर मार देता, लेकिन तुमने दोबारा ताकिन को चुना उमर के बदले। और तुम तो पहले भी चली गई थी उस मासूम को यूं सोता छोड़ के। ये पहली दफा नहीं कि एक मासूम को छोड़ के जा रही हो अपनी गर्ज की वजह से तुम, लेकिन अब ये आखिरी दफा ही होगा। लेविन सर, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मरियम, चली जाओ। तुम चली जाओ जहां जाना है, अपने शौहर के साथ चली जाओ। निकल जाओ हमारी जिंदगियों से और कभी लौट कर मत आना दोबारा। जाओ यहां से, चली जाओ। Çok zaman olmuş, kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş, mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensizlik ölümdür. उमर बार बार यही पूछ रहा है कि लेवेंट भाई और मेरी आपा क्या बातें कर रहे हैं। लेवेंट गुस्से में था इसलिए परेशान हो रहा है वो। या अल्लाह, मैं जाती हूँ उसके पास। आप बैठे रहिए उल्विया अम्मी, परेशान मत हूँ। एसली के पास है, दूध पी रहा है। ठीक है बेटा। मेलिस, उस खत में क्या लिखा था आखिर? मेरी जान, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। सूदखोरों से भी जान छूट गई, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कल सुबह तुम इस पते पर पहुंच जाना जो मैंने खत के आखिर में लिखा है। कल से हमारी नई जिंदगी का आगाज होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मरियम। बहुत खूब। मुझे तुम्हारा चेहरा उस वक्त देखना है लेवेंट, जब तुम ये खत पढ़ोगे। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? उल्विया अम्मी, कुछ मत पूछे आप। लेवेंट ने जब मुझे ये बताया तो मुझे भी यकीन नहीं आया। हमें तो ये दिख रहा था कि मरियम उमर का बहुत ख्याल रख रही है, लेकिन उन दोनों का प्लान ये था कि वो और ताकिन इस मुल्क को छोड़कर भागने वाले थे। जब तक मरियम को एक महफूज जगह चाहिए थी ताकि ताकिन इस मुल्क से भागने का बंदोबस्त कर ले। इसका मतलब ये है कि उसने लेवेंट को दोबारा धोखा दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वाकई ऐसा हुआ? कहा भी था, मैंने लेवेंट को समझाया था कि वो दोबारा धोखा देगी, मगर लेवेंट ने मेरी बात नहीं सुनी। आप देख लीजिए,
मरियम ने वही किया जो उसे करना था, लेकिन लेवेंट भी कहाँ गलत था। वो भी तो यही चाहता था कि मरियम किसी तरह सूदखोरों से बच जाए। लेकिन अगर ये खत उसके हाथ ना लगता तो हम इस प्लान के बारे में कभी ना जान पाते। अम्मी, अब वो लड़की एक लम्हे के लिए भी मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं लेवेंट से बात करूंगा इस बारे में। लेवेंट ने इस घर से जाने का कह दिया है उसको। अब हमें ये देखना है कि इस घर में रहने के लिए वो क्या नई चाल चलती है। बस बहुत हो गया, अब उसका कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। वो लड़की लेवेंट की रहम दिली का फायदा उठा रही है। लेवेंट और उस मासूम उमर के जज्बात से खेल रही है वो। बहुत हुआ, मैं अभी जाके लेवेंट से बात करूं। उल्विया अम्मी, प्लीज पहले मुझे बात करने दे। अम्मी, मेलिस ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप इसी को बात करने दे। लेवेंट गुस्से में है इस वक्त, आप भी गुस्से में, कहीं बात ही ना बिगड़ जाए। ओके, नहीं करती। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, चाहे जो भी हो मैं उसे मना लूंगी। देखती हो कि अब तुम कौन सी चाल चलती हो माय डियर सिस्टर। मैं एक कॉल करके आती हूं अभी। मैं इस घर में लाया बचाने के लिए तुम्हें। घर का हर फर्द तुमसे नफरत करता था। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है इस बच्चे की खुशी का? मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से लाया था। हर एक ने कहा कि इस पे भरोसा मत करो, ये तुम्हें दोबारा धोखा देगी। उमर और मुझे दोबारा धोखा दिया। ये पहली दफा नहीं कि एक मासूम को छोड़ के जा रही हो अपनी गर्ज की वजह से तुम, लेकिन अब ये आखिरी दफा ही होगा। लेविन सर, आप समझ नहीं पा रहे कि मरियम, चली जाओ। तुम चली जाओ जहाँ जाना है, अपने शौहर के साथ चली जाओ। निकल जाओ हमारी जिंदगियों से और कभी लौट कर मत आना दोबारा। हेलो मरियम। आयशा, आयशा मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मजीद नहीं रह सकती हूँ यहाँ। रुको रुको, ये तो बताओ हुआ क्या है आखिर? लेविन सर इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उन्हीं के लिए किया, लेकिन उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। क्या, कैसे गलत फहमी हो गई? नहीं मालूम आयशा, कुछ नहीं मालूम। कोरियर के जरिए एक पैकेट आया था, उसमें पासपोर्ट्स थे, फ्लाइट की टिकट्स थी और एक खत था। ये सब ताकीन ने भेजा है और खत ऐसा लिखा गया है जैसे मैं यहाँ से निकलने की पहले से प्लानिंग कर रही हूँ। उसमें लिखा है कि प्लान के मुताबिक हम सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। लेवेंट सर को लगता है कि दोबारा धोखा दिया मैंने, उन्हें लगता है कि मैं उमर को छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से चली जाओ। क्या ताकीन ये जानता है कि तुम वहाँ पे रह रही हो? जानता ही होगा, मतलब ये कि उसने खत भेजा है तो उसे पता ही होगा ना। आयशा मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कुछ। लेविन सर ये जानते हैं कि सूदखोर पीछे पड़े हैं, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब मुझे हर हाल में इस मेंशन को छोड़ के जाना होगा आयशा। लेविन सर के लिए मैं परेशान हूं और मुझे डर भी लग रहा है बहुत। समझ गई, तुम इस वक्त इजी हो जाओ। जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं तुम वहीं रहना, मैं कोई रास्ता ढूंढती हूं। और प्लीज तुम डरना मत किसी से, तुम मिस्टर लेवेंट के लिए परेशान मत हो ताकि उन तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। हाँ मैं समझ गई, भूलना मत, तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूं मैं। चलो खुदा हाफिज। अब मरियम, क्या हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, आइए बैठिए। तुम अपसेट मत हो लेवेंट, मैं जानती हूं ये उसने वही हरकत दोबारा की। जब भी वो ऐसी कोई हरकत करती है तो उसका मकसद कुछ और ही होता है, शैतानी फितरत है उसकी। लेकिन मुझे तो सिर्फ उमर की फिक्र है। अपनी आपा को वो स्कूल ले जाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अब वो दोबारा अपसेट हो जाएगा जैसे ही जाएगी वो। मेलिस प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उमर हमारे पास है और हम सब घर वाले मिलकर उसे संभाल लेंगे, उसकी आपा के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा कोई। लेवेंट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, भूलना मत तुम। थैंक यू।